हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गर्ल्स, आप इंडियन कुर्ती पहन पहन कर बोर हो गए हैं तो आप ये वियतनामीज कुर्तीज़ ट्राई कर सकती हैं। इनमें डिफरेंस बस ये होता है कि ये फुल लॉन्ग होती है, जिन्हें कि वियतनाम में बहुत पसंद किया जाता है और ये दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं। इन्हें वियतनाम में एओडाई के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, हमारा फर्स्ट कलर कॉम्बिनेशन है येल्लो और मेहंदिया कलर कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। हमारा सेकंड कलर कॉम्बिनेशन है ब्लू एंड ग्रे कलर कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। गाइस, इनकी कमीज जॉर्जेट फैब्रिक से बनाई गई है और जो प्लाजो है वो सेटिन के फैब्रिक से बनाया गया है। तो गाइस, अगर आप भी ऐसी कुर्तीज़ बुटीक से बनवाने की सोच रही है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जॉर्जेट और सेटिन का फैब्रिक ही यूज़ लें, क्योंकि जॉर्जेट और सेटिन के फैब्रिक में ही ऐसी कुर्तियाँ अच्छी लगती हैं। इसमें पिंक और ग्रे कलर का कलर कॉम्बिनेशन किया गया है और इसमें भी सेटिन और जॉर्जेट के फैब्रिक का ही यूज़ किया गया है। तो गाइस, आपको इनमें से कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा और कौन सी ड्रेस आपको अच्छी लगी, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन सभी कुर्तियों में जॉर्जेट और सेटिन के फैब्रिक का ही यूज़ किया गया है। इसमें मल्टी कलर और लाइट कलर का यूज़ किया है, जो कि बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। गाइस, आपका क्या कहना है? मेरी बात करूँ तो सभी कुर्तियों में ये मेरी फेवरेट कुर्तीज़ हैं। इस कुर्तीज़ में लाइट पिंक कलर और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन किया गया है, ये भी जॉर्जेट और फैब्रिक से ही बनी हुई है। इसमें मेहंदी एंड येलो कलर का कलर कॉम्बिनेशन किया गया है। गाइस, ये जो लंबी लड़कियां होती हैं उन पे ये कुर्तियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं, और जिनकी हाइट कम होती है वो लड़कियां भी इनके ऊपर हील्स आसानी से कैरी कर सकती हैं। हील्स पे भी ये कुर्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। गाइस, आपको ये कुर्तियाँ ऑनलाइन भी ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। गाइस, ये कुर्ती अपने आप में एक यूनिक और प्रोफेशनल है। गाइस, अगर आप वेस्टर्न आउटफिट पसंद करती हैं तो ये कुर्ती सिर्फ आपके लिए है। इसमें कमीज के अंदर प्रिंट स्काई कलर और प्लाजो में सिंगल स्काई कलर का यूज़ किया गया है। इस फोटो में लाइट पिंक कलर और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन किया गया है और कमीज पर कुछ वर्क भी डिज़ाइन किया गया है। तो गाइस, अगर कलर कॉम्बिनेशन से लेकर या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, अब तक तो हमने बात की प्रिंटेड प्लेन कुर्तियों के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं सिंपल प्लेन कुर्तियों के बारे में, जिसके भी मैंने आपके लिए कुछ ऑप्शंस रखे हैं। गाइस, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, इसमें सलवार और कमीज दोनों में सिंगल कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है। तो अगर आप भी ऐसी ही कुर्तीज़ बनवाने की सोच रही हैं तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है। तो गाइस, आप अपने लिए कुर्तीज़ बनवाते समय अपने चॉइस के साथ साथ अपने स्किन टोन को ध्यान रखते हुए भी अपने लिए कुर्तीज़ का कलर सेलेक्ट करें। इसमें भी सिंगल कलर कॉम्बिनेशन का ही यूज़ किया गया है। अब बात कर लेते हैं वाइट कलर, जो कि हमेशा ट्रेंड में रहता है। इसमें भी जॉर्जेट का ही फैब्रिक यूज़ किया गया है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।